संबल में हिस्ट्री शीटर बदमाश को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के लिए परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया है। हिस्ट्री शीटर को मेडिकल कराने पहुंची पुलिस से परिजनों की तीखी नोकझोंक हुई है। करीब आधे घंटे तक जिला अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी रहा। इस दौरान हिस्ट्री शीटर की मां ने पुलिस मौजूदगी में अपने कपड़े भी फाड़े हैं। हंगामे की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। भारी पुलिस बल के बीच हिस्ट्री शीटर का मेडिकल करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया है। थाना हयातनगर पुलिस ने शुक्रवार को चोरी के सामान के साथ अकरम पुत्र असलम निवासी कोटला सरायतरीन को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी अकरम हिस्ट्री शीटर है और उस पर लूट, चोरी, गोकसी सहित तमाम मामले दर्ज हैं। न्यायालय में पेश करने से पहले पुलिस शुक्रवार दोपहर को उसे लेकर जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंची। अभी पुलिस हिस्ट्री शीटर अकरम का मेडिकल परीक्षण करा ही रही थी कि पीछे से उसके परिजन भी पहुंच गए। हिस्ट्री शीटर की पत्नी और मां ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा है। हिस्ट्री शीटर बदमाश को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के लिए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान उनकी पुलिस से भी तीखी नोकझोंक हुई। करीब आधे घंटे तक जिला अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आरोप है कि हिस्ट्री शीटर की मां ने अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी के बीच अपने कपड़े फाड़ लिए। महिला के फटे कपड़ों को देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। इसी बीच जानकारी मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई। किसी तरह से महिला पुलिस कर्मियों ने हिस्ट्री शीटर की मां और पत्नी को काबू में लिया। हिस्ट्री शीटर के परिजनों द्वारा हंगामा काटने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने परिजनों को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने के लिए हंगामा काटते रहे। बमुश्किल पुलिस ने आरोपी हिस्ट्री शीटर का मेडिकल कराया और उसे न्यायालय में पेश कराया। हिस्ट्री शीटर की पत्नी सुआलेकीन का कहना है कि पुलिस बेवजह उसके पति को गिरफ्तार कर लाई है। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी संबल जितेंद्र कुमार ने बताया कि हिस्ट्री शीटर का मेडिकल के दौरान उसके परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और पुलिस के साथ बदतमीजी की। इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना हयातनगर में दिनांक 3/4/17 की रात्रि में आवेदक मुकीम के कारखाने में दीवार फांदकर एक गैस का सिलेंडर तथा 175 पीतल की नोक का हयातनगर में चोरी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें आज हयातनगर पुलिस के द्वारा अकरम को गिरफ्तार किया गया तथा उसे संबंधित मुकदमे में 175 पीतल की नोक बरामद की गई तथा उसको मेडिकल के लिए सरकारी अस्पताल संभल के लिए भेजा गया। तो उसके परिवारजन संभल को अस्पताल में जाकर पुलिस के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग तथा उसके साथ धक्का मुक्की की गई, जिसमें पुलिस के द्वारा उसके परिवारजनों के खिलाफ सुसंगी धाराओं में FIR पंजीकृत कराकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।